योगी की पुलिस ने दबंग को दिखाई औकात। दबंग का बवाल योगी की पुलिस को नहीं है बर्दाश्त। बवाल पर योगी की पुलिस की सख्ती जारी। योगी की पुलिस ने वैसे तो कई बार साबित किया है कि यहां गुंडा राज नहीं बल्कि कानून का राज चलता है। इसी छवि के साथ कई दबंगों को रास्ते पर भी लाया गया, तभी तो दबंग कई बार गले में तख्ती लेकर पुलिस के द्वार पर दिखाई दिए। बड़े बड़े माफियाओं की तो योगी राज में कैसे कमर तोड़ी गई, वो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं को देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा। अब भी प्रदेश के कई गुंडे और कई माफियाओं की लिस्ट योगी पुलिस के पास है, जिनसे निपटना भी बाकी है। ऐसे हालात में भी अगर कोई दबंग सीनाजोरी दिखाने की कोशिश करे तो बताइए उसका क्या इलाज किया जाएगा। अब देखिए ना, कानपुर के चकेरी से ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आ गया, जहां एक पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर ने दबंग का फोन नहीं उठाया तो उसने तो कर्मचारी पर सीधा बंदूक ही तान दी। दरअसल सनिगवा पोस्ट ऑफिस में विशाल कुमार गुप्ता असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर के पद पर तैनात हैं। विशाल मूल रूप से बलिया के रहने वाले हैं। विशाल ने पूरे मामले को विस्तार से बताया। कहते हैं, शनिवार के दिन मैं अपना काम कर रहा था, तभी मेरे पास आशुतोष पाठक का फोन आया। मैं काम में फंसा था इसलिए फोन नहीं उठा पाया। सिर्फ इतनी सी बात थी और फिर सुनिए गुंडई दिखाने पर उतारू आशुतोष ने क्या किया। पुलिस के मुताबिक आशुतोष, जो कि सनगवा इलाके का रहने वाला है, जब पोस्टमास्टर ने फोन नहीं उठाया तो भड़क गया और सीधे पोस्ट ऑफिस पहुंच गया और विशाल के साथ कहासुनी करने लगा। थोड़ी देर में बात मारपीट तक पहुंच गई और दोनों के बीच में गुत्थम गुत्थी होने लगी। आज तो उसको इतने से भी संतोष नहीं हुआ तो उसने बंदूक निकाल ली और पोस्टमास्टर विशाल गुप्ता को बंदूक लेकर दौड़ा लिया। पोस्टमास्टर ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। इस दौरान आशुतोष धमकी देता रहा कि वो विशाल को मार देगा। हालांकि पुलिस ने समय रहते दबंग आशुतोष को काबू में लिया, जब विशाल ने मामले की पूरी सीसीटीवी फुटेज लाकर पुलिस को सौंप दी और साथ ही वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया। हालांकि अब आरोपी आशुतोष पुलिस के कब्जे में है और डीएम को रिपोर्ट भेजकर आरोपी के सशस्त्र लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मामले को लेकर पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर ने ट्वीट भी किया और लिखा, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर के थाना चकेरी क्षेत्र में बवाल करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वीडियो में आप देख सकते हैं, लिखा है, करोगे बवाल तो यही होगा हाल, नियमों को मानिए, सभ्य नागरिक बनिए। क्या नाम तुम्हारा? आशुतोष पाठक। पिता का नाम? सरदीप सिंह देवप्रसाद। कहाँ रहते हो? साथ ही कमिश्नरेट की तरफ से साझा किए गए वीडियो में दूसरी तरफ दबंग आशुतोष दो पुलिसकर्मियों से घिरा बैठा है। योगी राज में दबंगई दिखाने वालों का यही हाल होता है। योगी राज में जो कोई भी गर्मी दिखाता है उसकी गर्मी तुरंत शांत कर देने का इंतजाम भी योगी राज में है। यकीन ना हो तो आप खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन लीजिए। सुन लीजिए कि कैसे वो मई जून के महीने में भी सारी गर्मी निकाल देने की बात करते रहे हैं। लोग कहते हैं सपा का विकास और बसपा का विकास क्या था? मैंने कहा देखो, सड़क पे तो नहीं दिखाई देता, ये जो एलिवेटेड रोड बन रही है ना, ये जनरल साहब के सांसद बनने के बाद बनी है। आखिर सपा बसपा की सरकार तो अंधेरा देती थी, बिजली नहीं थी, गरीबों के लिए राशन नहीं था, एक होड़ लगती थी जो मुख्यमंत्री बनता था, मंत्री बनता था, पहले अपना बंगला बनाता था। गरीब का बंगला नहीं बनता था, गरीब का मकान नहीं बनता था। हमारी सरकार आई, डबल इंजन की सरकार ने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दे दिया, 2,61,00,000 गरीबों को एक एक घर में शौचालय दे दिया, 1,00,00,000 वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा दे दी, 9,00,00,000 गरीबों को 5,00,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया और 15,00,00,000 लोगों को, कोरोना है, डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। ये पैसा पहले कहां जाता था? ये पैसा पहले कहां जाता था? विकास का ये पैसा कहां जाता था? विकास उनका एजेंडे में है ही नहीं। उनका विकास, विकास का पैसा लूट लूट करके और उसको
फिर वे जमा करते थे इत्र वाले मित्र के यहाँ। जब जेसीबी चली थी तो आपने देखा होगा कैसे नोट की गड्डियां और पहाड़ निकल रहे हैं। मां लक्ष्मी भी कोसती होगी इन लोगों को कि कहां मेरा काम लोक कल्याण का था, मुझे आरसीसी की दीवालों में कैद करके रख दिया। लेकिन जब जेसीबी चली तो मां लक्ष्मी भी बहुत प्रफुल्लित होकर के आगे बढ़ी कि अब कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। भाइयों बहनों, इनकी संवेदना गरीब के लिए नहीं है, किसान के लिए नहीं है, नौजवान के लिए भी नहीं है और बेटियों की सुरक्षा के लिए भी नहीं है। इनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में सपा बसपा कांग्रेस का कोई नेता नहीं आया होगा। आपके लिए जनरल साहब आए होंगे, भाजपा के पदाधिकारी आए होंगे, धर्मेश जी आए होंगे, अनिल जी आए होंगे, इसके अलावा कोई अन्य आपके बीच नहीं आया होगा उस समय। ये सभी नेता होम आइसोलेशन में थे। तो इस समय जब आए तो उनको यही बोलने की आवश्यकता है। आपने जिन्हें पिछली बार विधायक बनाया था वे दल बदल कर रहे थे, भाग रहे थे इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। पिछली बार वे यही कर रहे थे और आगे भी उनको यही करना है। वे अभी से फिर से अपना रास्ता बना रहे हैं। लेकिन मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आपके बीच में मैं अपील करने के लिए आया हूं, ये 12 लेन का हाईवे मेरठ और दिल्ली के बीच जोड़ने का ये हाईवे, ये डबल इंजन की सरकार दे रही है,